इंडिया टीवी आपकी आवाज। पीएम मोदी आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में करेंगे शिरकत। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। यूएई में बोले पीएम मोदी, संयुक्त अरब अमीरात और भारत हरित और ज्यादा समृद्ध भविष्य को लेकर आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने देर रात दुबई में लैंड किया। एयरपोर्ट पर यूएई के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर लिखा पोस्ट, लिखा कि COP28 शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसका उद्देश्य एक बेहतर धरती बनाना है। दुबई एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। भारी तादाद में दाऊदी बोरा समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत में किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र के बाद करेंगे इसराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग से मुलाकात। दोपहर 2 बजे होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस से भी मिलेंगे। दोपहर 2:40 पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी शाम को 4:15 प्रेसिडेंसी सेशन को शिरकत करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस पर होगी चर्चा। पीएम मोदी शाम को 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जमी। ताज़ा बर्फबारी देख पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। लोग बोले बाहर निकल कर रहे हैं मस्ती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, कुपवाड़ा से तंगधार के बीच सड़क बंद। ताज़ा बर्फबारी में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, घरों की छतों पर भी जमी बर्फ, मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है बर्फ। एनआईटी श्रीनगर ने घोषित की विंटर वैकेशन है। सेमेस्टर एग्जाम के बीच छात्रों को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल खाली करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बड़ी ठंड, बारिश और ऊपरी इलाकों में हो रही है भारी बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के पास भी ताज़ा स्नोफ्लॉ, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर एक्शन में है सरकार। सीएम स्टालिन का हर हाई लेवल पर मीटिंग। तिरुवल्लूर में मूसलाधार बारिश में फंसे 10 लोग, फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के कुडलोर में मछुआरों को जारी किया गया चेतावनी, बदलते मौसम के बीच समुद्र न जाने की राहत। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में स्कूली छात्राओं का बारिश का प्रदर्शन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बारिश के दिनों स्कूल में छुट्टी की मांग की। चेन्नई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव, बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। दिल्ली में फिर AQI 400 के पार, आनंद विहार में 412, जहांगीरपुरे में 411 और द्वारका में 402। गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी का दिखा असर। कर्तव्य पथ और इंडिया गेट इलाके में सुबह छाई गहरी धुंध। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण से सुबह दिखी गहरी धुंध। वारापुल्ला और सड़कों पर लाइटें जलाकर लोग गाड़ी चलाते नजर आए। करनाल के इंद्री में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान, किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। प्रयागराज में कोहरे से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। कई ट्रेनें रद्द हुई हैं, कई लेट, यात्रियों को हो रही है परेशानी। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज दोपहर 1 बजे सीएम योगी देंगे भाषण। अखिलेश यादव भी बजट पर रखेंगे विचार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर की मुलाकात। अजय माकन से भी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फंड की राशि 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ की। बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग फंड के आवंटन के लिए चलाएगी अभियान। बीजेपी माइनॉरिटी सेल का बयान, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया इस्तेमाल। पहले जो फंड आता था उसमें से आधे से ज्यादा लैप्स हो जाता था। आरोपी मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी, विधानसभा से किया वॉकआउट। बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने अस्पताल में घुसकर सरकारी डॉक्टर को कहा मानसिक बीमार, मारने पीटने और नौकरी खा जाने की धमकी दी। पूरी घटना से डॉक्टर्स में आक्रोश, बोले कि अगर विधायक ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकवादी मारा गया। पुलवामा के अरिहल इलाके में चल रही है मुठभेड़, कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। गाजियाबाद में 74 साल के बुजुर्ग से ठगों ने पहले फेसबुक पर की न्यूड वीडियो कॉल, फिर ADG बनकर धमकाया। फ्रॉड ने पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को फर्जी केस में जेल भेजने के लिए डरा, धमकाकर उनसे 74,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है। साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछुआरों के लकड़ी के बक्से में आग लगी, बक्से जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, इलाके में अफरा तफरी मची। मुंबई में स्निफर डॉग ने की पुलिस की मदद, 6 साल के लापता बच्चे को निकाला खोज। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पुरी में समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति, वादा निभाओ का किया संदेश। उत्तरकाशी में सुरंग से सुरक्षित बाहर आए श्रमिक दिल्ली पहुंचे, मजदूरों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर सरकार का धन्यवाद किया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल रैट माइनस से करेंगे मुलाकात। उत्तरकाशी रेस्क्यू में दिल्ली जल बोर्ड के रैट माइनस ने निभाई थी अहम भूमिका। युद्ध शुरू होने के बाद तीसरी बार इसराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, कहा कि उनका पूरा फोकस संघर्ष विराम बढ़ाने पर है, गाजा से और अधिक बंधकों को निकालने पर जोर है। अमेरिका में पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला, इंडियन नागरिक को दोषी ठहराने पर बोले विदेश मंत्री ब्लिंकन, ये एक कानूनी मामला है।